बालकुनगर में मुख्य और आंतरिक मार्गों की दशा काफी समय से बदहाल है और इसके कारण लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बालको एल्युमिनियम एम्प्लॉयज यूनियन ने इस मसले को लेकर रैली निकाली और अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एल्युमिनियम सिटी बालकुनगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। वाहनों के दबाव ने सड़कों को जर्जर हालत में पहुंचा दिया है। सड़कों पर गड्ढों की अधिकता के चलते लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एल्युमिनियम कंपनी और नगरपालिक निगम पर लोगों का गुस्सा इन कारणों से लगातार बढ़ता जा रहा है। बालको एम्प्लॉयज यूनियन ने सड़कों की बदहाली को मुद्दा बनाते हुए झंडे बैनर के साथ रैली निकाली और नारेबाजी की। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से इस प्रकार की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इस दिशा में हर कोई उदासीनता बरत रहा है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले यह विशाल रैली निकाला गया है। यह इसलिए निकाला गया है कि पिछले कई साल, आज लगभग 10 साल हो गए हैं कि ये सड़क हजरा पारा की सारी सड़कें खराब है। आज पीछे भी आज अपने पीछे भी देख सकते हैं कि कैसे रोड में इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। बरसात के समय इतना ज़्यादा खराब हो गया है, आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और कई तो एक्सीडेंट भी हुए हैं। और इसीलिए आज इन सड़कों के निर्माण के लिए जल्द से जल्द बने, इसकी मांग के लिए हमने एक धरना पत्र, ये विशाल रैली निकाला है। क्योंकि भद्रा पारा के मुख्य जो स्ट्रीट लाइट है और रोड है, रोड सालों से खराब है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं है। हमारे पार्टी के तरफ से 25 नवंबर को ITI में धरना देकर ज्ञापन दिया गया था, उसमें भी भद्रा पारा का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। भद्रा पारा का अभी हम लोग एक रैली निकाल करके जगाने का काम किया है और उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जोन कार्यालय में, ये तीन मुद्दे पर, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट। रैली निकालने के बाद लोग बालकुनगर स्थित नगर निगम के जोन कार्यालय पहुंचे और समस्या से संबंधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में सड़क की दुर्दशा को बेहतर करने के बारे में जरूरी कदम नहीं उठाए जाते हैं तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बालकुनगर से कंकर शर्मा की रिपोर्ट।